नमस्कार हार्दिक स्वागत आप सभी का मैदान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला दोपहर के सेशन का पहला मुकाबला वर्सेस सियोलिम के बीच में टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है और बल्लेबाजी का न्योता स्वीकार करते हुए बांदेश्वर क्रिकेटर सियोलिम की प्रारंभिक जोड़ी मैदान पर स्ट्राइक पर प्रजोत और नॉ स्ट्राइक एंड पर प्रकाश पांच ओवर का ये मुकाबला है और देखता है राकेश कोरगांवकर राखू कोरगांवकर राकू के नाम से जाने जाते हैं ढेर सारा अनुभव है उम्र के ऊपर उनके मत जाइए और जिस तरह से अनुभव से तजुर्बे से गेंदबाजी करते हैं ढेर सारा अनुभव उनके पास चलिए मैदान पर मुकाबला शुरू होता हुआ पहली गेंद फुल टॉस गेंद कर लें कि लोवर फुल टॉस गेंद हल्के हाथों से कला के सहारे मरोड़ दिया ऐसे एक रन के साथ खुद का खाता खोला प्रजोत ने अपने टीम का खाता खोला पांच ओवर का मुकाबला है पहला ओवर पावर प्ले का रहेगा और जो कि पावर प्ले के ओवर में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने के हर एक टीम की कोशिश रहती है तो विपक्ष खेमे से अच्छे गेंदबाज को उस पावर प्ले का ओवर दिया जाता है देखना है यहाँ पर क्या होता है लेफ्टी और ये राइट राइट का कॉम्बिनेशन हर सिंगल के बाद थोड़ा सा फील्डिंग करने वाली टीम को दिक्कत में डाल देता है देखता है राकेश कोर गावकर इस बार सामना करेंगे प्रकाश पहली गेंद पर सिंगल निकला है और दोपहर के स्टेशन में सभी टीमें तगड़ी है बड़ा शॉट लगाने की कोशिश इस बार गेंद निकलते हुए कोई डीप में खिलाड़ी मौजूद नहीं गेंद निकलते हुए सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए प्रकाश के बल्ले से एक शानदार चौका गैप में से गेंद निकला था क्यों लेक के दिशा में ओ, इस बार छोटी गेंद पटकी हुई गेंद कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से वन बाउंस सीमा रेखा के बाहर चार रन के लिए बैक टू बैक बाउंड्रीज टोटल पहुंचा है नौ रन पर <coughs> ओ ये अच्छी गेंद गेंद फिर की फ्लाइटेड डिलीवरी थोड़ी सी हवा देती इस को पहली दो गेंदे से तेज गेंदी थी एक छोटी डाल ली थी तेज गेंद के ऊपर स्क्वेयर लेग की दिशा में एक चौका देखने को मिला और छोटी गेंद के ऊपर पटकी हुई गेंद के ऊपर पॉइंट के ऊपर से एक चौका देखने को मिला लेकिन ये गेंद थोड़ी सी मिश्रित भरी थोड़ी सी फ्लाइटेड डिलीवरी हवा में थोड़ी सी सिंह करने की कोशिश राखू की तेज गेंद इस बार खेल दिया फिर एक बार कवर की दिशा में आ रहे गेंद गेंद का पीछा किया जा रहा है लेकिन गेन कुछ गज अंदर रुकी गई वहां पर क्योंकि आउटफील्ड ऑफ साइड का थोड़ा सा धीमा है और जिसके चलते हुए गेंद रुक गई दो रन और खाते में जुड़े और दो रन के साथ साथ टोटल पहुंचा ग्यारह रन बगैर किसी नुकसान पर टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करने का फैसला अनुमान तो राकेश का राकू वे कम से कम सात आठ रन से ज्यादा रन नहीं निकलते लेकिन यह अलग मैदान है और इस मैदान की खासियत है दो बाउंड्रीज अब तक लग चुके इस मुकाबले के दौरान पांच ओवर का मुकाबला और साथ साथ पहला ओवर पावर प्ले का थोड़ी सा फील्डिंग में तब्दीली पर खिलाड़ी को बुलाया गया है प्रकाश अच्छी बल्लेबाजी दस रन बनाए अब तक ओ, ये स्विंग देखिए अगेन टिप्पा गिरने के बाद स्पिन की तरह गेंद निकले आफ्टर आ, विकेट कीपर के हाथ में बगर किसी रन से बगर किसी नुकसान से पहला ओवर समाप्त ग्यारह रन आ, जो कि टोटल स्कोरबोर्ड पर बगर किसी नुकसान पर और का खेल यहाँ पर समाप्त होता हुआ 11 रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बगर किससे नुकसान पर शुरुआत और क्रिकेटर्स सिवोलियन टीम की इस मैदान पर टॉस जरूर आ रहे लेकिन एक तगड़ी शुरुआत यहाँ पर मिल चुके हैं पहले ओवर का खेल समाप्त 11 रन और अब नए गेंदबाज हमारे दूर वाले इंड से महेश ये गेंदबाज आपको नजर आएंगे साथ साथ हमारे करीबी दोस्त आनंद बद्री इनका भी यहां पर आगमन हो चुका है आपका भी हार्दिक हार्दिक स्वागत है आनंद पावर प्ले अब समाप्त हो चुका है अब खिलाड़ी फैलाई गई है फील्ड ओ आगे निकले थे चाल कदमी करी थी एक शानदार स्ट्रोक कबड्डी का एक बेहतरीन स्ट्रोक देखने को मिला लॉन्ग ऑफ का रिजल्ट पर जब तक डीप से आगे गेंद को फील्ड करता है सिंगल के साथ एंकर रोल निभा रहे हैं जो कि अगर प्रज्योत की बात की जाए क्योंकि उन्हें पता है प्रकाश अच्छी बल्लेबाजी कर लेते दो बाउंड्रीज उनके बल्ले से निकल चुके हैं ज्यादा से ज्यादा मौका उन्हें मिलना चाहिए और इसी सोच के साथ सिंगल कर, ये सिंगल देकर ये हमेशा क्रिकेट में जाना जाता है कि एंकर रोल काफी महत्वपूर्ण और में आपको स्ट्राइक अपने हिटर हाँ बल्लेबाज को देने ही पड़ते गेंदबाज फिर एक बार सामना करेंगे प्रकाश उनकी गेंद का ओ इस बार उठा कर खेलने की कोशिश खड़ी हो गई है गेंद गेंद के नीचे खुद गेंदबाज आते हुए पहले विकेट का बदन प्रकाश को वापस जाना पड़ रहा है बारह रन पर यह पहली सफलता एस के जोगिंग को मिलती हुई वन डाउन बल्लेबाज पुष्पराज मैदान पर दाखिल होते हुए और एक हार्ड इटर ऑलराउंडर खिलाड़ी इस शिवोलिम टीम के उनको मैदान पर ये बारह रन बने हैं पहले सात गेंदों में उसको बरकरार रखना है साथ साथ अपने विकेट के साथ एक तगड़ी शुरुआत यहाँ पर कर देनी है अपने टीम के लिए अगर साठ के आसपास का टोटल खड़ा हो जाएगा तो मैच बीच में फंसेगा महेश ने अपनी टीम के लिए एक पहली सफलता अर्जित कर दी है अब देखना पड़ेगा किस तरह से गेंदबाजी होती है फील्डिंग देखिए किस तरह से सजाई गई है ओ, ये फुल टॉस नो बॉल का इशारा आ चुका है यहाँ पर बीमर गेंद थी और शायद निश्चित रूप से हाथ से फिसले गई नो बॉल का इशारा यानी कि साथ साथ मिलेगी ये फ्री हिट यानी कि बल्लेबाज के पास कुल मौका जी चाह मंच चा, शॉट खेलने का आउट होने का खतरा सिर्फ यहाँ पर रन आउट के रूप में दो रन खाते में और दो रन के साथ साथ टोटल पहुंचा चौदह रन पर एक विकेट गवाया उसकी अगली गेंद बिमर गेंद कमर के ऊपर और एक फ्रेड का मौका है बल्लेबाज के पास अब प्रजर है स्ट्राइक पर ओ ओ की गेंद जाया गई ओ, जा पर मिस फील्डिंग भी देखने को मिली सिंगल मिलेगा लेग बाइट्स का इशारा अंपायर का आता हुआ अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल अब मात्र आगे बढ़ता हुआ पंद्रह रन एक विकेट के नुकसान पर कलंगुट चैंपियन ट्रॉफी इस प्रतियोगिता का ये चौथा दिन और दूसरे सेशन का ये पहला मुकाबला एसके जॉकिंग वर्सिज बाश्वर क्रिकेटर शिवलिंग के बीच में ओ इस बार थोड़े से फुट पर चले गए एक पंच देखने को मिला मेडन की दिशा में जब तक फील्ड किया जाता एक रन तेजी के साथ पूरा कर दिया पूछपा दे सेट होना चाह रहे एक दो तीन गेंदे खेलेंगे उसके बाद तगड़ा प्रहार करेंगे क्योंकि ये हमेशा हमने देखा है पुष्पराज आते आते बड़े शॉट नहीं खेलते लेकिन दो दो तीन गेंदों के बाद बल्ला घुमाते रहते हैं और अब बहुत बार इनके बल्ले से रन उनके टीम के लिए बनते हुए हमने देखे महेश फिर एक बार पर आगे निकले खेलने के लिए लेकिन दूरी नहीं था कई पाई और वहां पर खिलाड़ी तैनात सीधे उसके हाथ में और एक विकेट प्रारंभिक जोड़ी वापस दूसरा आगत यहाँ पर बांदेश्वर शोलीम टीम को लगता हुआ देश गेंदबाज आपको नजर आएंगे स्ट्राइक पर रहेंगे पुषपराज अब पुषपराज रनों की रफ्तार बढाने की कोशिश करेंगे जरूर क्योंकि ये बड़े शॉट हमेशा खेलते हैं मैदान कितना बड़ा है कितना छोटा है इनको फर्क नहीं पड़ता इनके बल्ले में वो ताकत इनके कंधों में वो ताकत है ये खड़े-खड़े शॉट वो आराम के साथ खेल लेते हैं सीधे छपता पहला गेंद लेकर ओ ये रिवर्स अटेम्प्ट करना चा काफी बाहर के ऊपर गेंदबाजी अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा है सत्रह रन दो विकेट के नुकसान पर तीसरा ओवर प्रगति पर है और अब सावधान करेंगे फिर एक बार पुष्प पहली गेंद वाइड वाइड के साथ शुरुआत करी है सिद्धेश ने और रिवर्स अटैम्प ये देखिए हवा में खेल बैठे जहां पर खिलाड़ी तैनात शायद शॉट अच्छा था लेकिन खिलाड़ी को ढूंढ लिया और एक विकेट बड़ा विकेट बड़ी मछली जाले में पुष्प पर आउट नाराज होंगे क्योंकि शॉट अच्छा था लेकिन एकमात्र खिलाड़ी वहां पर था सीधा उसके पास गेंद निकले और शायद इधर उधर कुछ हो जाती एक आध मीटर तो बाउंड्री मिल सकती थी लेकिन क्रिकेट में हमेशा वास्तव को स्थान दिया जाता अगर मगर का कोई स्थान नहीं है बहुत बार आपने देखा है, अगर ये किया जाता तो वो हो जाता अगर मेरी चाची को मूचे होती तो मैं उसे तो चाचा कहता ये कहने वाली बात होती विकेट निकला तीसरा टोटल वही पर सोलह सत्रह रन पर न्यू बैटर राजेश करेंगे सिद्धेश की गेंदबाजी का दूसरे ओवर में दो विकेट इस ओवर में एक विकेट एक वाइड गेंद डाली है सिद्धेश ने सत्रह रन बने हैं टांगों के ऊपर ये गेंद थे खेलना चाहते थे डी स्केर लेग पर का लगने के बाद सीधे गेंदबाज के पास चली गई गेंद कोई रन नहीं बहुत ही शानदार गेंदबाजी और यह ताकत है उतरते हैं और ये युवाओं का एक मार्गदर्शक मिल, मिल चुका है और अच्छी गेंदबाजी कर लेते हैं लेकिन बांदेश्वर शिवोलियम टीम को रन बनाने पड़ेंगे मैदान पर ओ, इस बार खोद कर निकाली हुई गेंद थी सिंगल जरूर निकलेगा राखू कोर जब तक पहुंच पाते एक रन के साथ टोटल अब पहुंचा 18 पर लेकिन उसके लिए तीन विकेट गवाए हैं जिस तरह से शुरुआत मिली थी पहले ओवर में प्रकाश ने वहां पर करी थी शायद ऐसा लग रहा था कि बड़ा टोटल खड़ा हो जाएगा तीसरे ओवर तक लेकिन वापसी करिए कम किया है से बाहर वो भटकती हुई गेंद वाइड का इशारा अतिरिक्त सिंगल अतिरिक्त सिंगल के साथ साथ टोटल अब पहुंचा है 19 रन पर अच्छी गेंदबाजी द्वारा लेकर वाइड गेंद की है ओ खोद कर निकाले जमीन के सारे खिलाड़ी दबाव डाला दूसरे रन के लिए गेंद हाथ से छूटे तब तक साथ दूसरा रन पूरा कर दिया वैसे तो इस मैदान के ऊपर दूसरा रन चुराना उतना आसान नहीं है छोटा मैदान है लेकिन ये देखिए हल्के हाथों से खेला हुआ स्ट्रोक था बहुत दूर सीमा पर थे खिलाड़ी दो रन के साथ टोटल पहुंचा ट्वेंटी वन इक्कीस रन पर सिद्धेश फिर एक बार बैबी एंड के लिए और इस बार देखिए थोड़ा सा नटराजन स्ट्रोक खेलने की कोशिश गेंद और बल्ले का कोई संपर्क नहीं हुआ अच्छी गेंदबाज है अभी भी तलाश है बड़े शॉट की पहले ओवर में वो बड़े शॉट निकले थे लेकिन उसके बाद कम किया इसके जॉगिंग टीम ने इस मैदान पर और जानते हैं भली बात पर हल्की सी गलती खुद को प्रतियोगिता से बाहर लेकर जाएगी ओ फिर एक बार देखिए ये कानों के नजदीक से बातें करते हुए विकेट कीपर के हाथों में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान से ओवर समाप्त हुआ तीसरा तीन ओवरों का खेल समाप्त इक्कीस रन टोटल स्कोरबोर्ड पर तीन विकेट के नुकसान पर गेंदबाजी में और एक बदलाव आपको हाँ गेंदबाजी रन, रन, रन बनाने की कोशिश होगी लेकिन ये पिछले दो ओवर सिर्फ 10 रन दिए हैं दोनों गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाज अब देखना इस ओवर में किसी एक गेंदबाज को आपको टारगेट करना पड़ेगा दो तीन मैक्सिमम यहाँ पर लगाने पड़ेगा अपनी टीम के लिए ओ इस बार उठा दिया है क्या इसमें दूरी है खड़ी हो गई है गेंद शुभम था वहाँ पर तैनात सीधे उसके हाथ में और एक विकेट का पतन वापस जाना पड़ रहा है राजेश को भी चार विकेट गवा चुके हैं पुष्पर आज सोचते होंगे शायद रुकना चाहिए था मुझे कोसते होंगे क्योंकि एकमात्र खिलाड़ी था उसको आपको भेदना था लेकिन उसको ही ढूंढ लिया आपने और ये शॉट देखिए इस शॉट की जरूरत देखिए सीधा साइड स्क्रीन के ऊपर बेबेन के बल्ले से निकलता हुआ एक तगड़ा स्ट्रोक छह रनों का लगाने पड़ेंगे कम से कम पचास पचपन तक तो लेकर जाना पड़ेगा अपनी टीम की टोटल को दबाव में ऑफ्टम से बाहर वाइड का इशारा अतिरिक्त सिंगल अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल पहुंचा ट्वेंटी नाइन पर 29 रन स्कोरबोर्ड पर प्रीतिश फिर एक बार एक छक्का जिसकी तलाश थी वो निकल चुका इस ओवर में छोटी गेंद गेंद छोटी पर घूमकर खेलने की कोशिश वन बाउंस का इशारा अंपायर की ओर से आता हुआ शायद पहला लाइन में आकर खेलते तो फाइन लेग लेग पर चली जाती गेंद लेकिन थोड़ा सा अक्रॉस चले गए थे बहुत और जिसके चलते विकेट कीपर के हाथ में गेंद बगैर किसी रन से निकली अच्छी वापसी उस चक्के के बाद करी है जो कि गेंदबाज ने ऑफ के बाहर खींचकर खेला हुआ स्ट्रोक कवर पॉइंट बाउंड्री के ऊपर से गेंद निकलते हुए वन बाउंस का के बाहर चार करी छह गेंदे सामने बैबियन बैबियन ने एक छक्का एक चौका जो कि लगाए पिछले ओवर में और उनके ऊपर दारो रह गई छह गेंदों में ज्यादा से ज्यादा रन बनाने की कोशिश होनी चाहिए चौतीस रन टोटल बन चुका है स्कोर बोर्ड पर ओ, इस बार देखिए काफी बाहर टिप्पा गिरने के बाद निकले वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त सिंगल और अतिरिक्त सिंगल के साथ टोटल थर्टी पर पैंतीस रन स्कोर बोर्ड पर शायद बातचीत हो रही है किस तरह से खेलना है कैसे रन बनाने हैं क्योंकि गेंदबाजी भी अच्छे आदेश और क्रिकेटर शिवलिम के पास लेकिन उससे पहले ये छह गेंदे जो है वो काफी मायने रखेंगे इस मुकाबले के लिए ओ ये देखिए लोअर फुल टॉस गेंद पहले ही मन बना लिए थे अल्टी पल्टी वाला शॉट खेलेंगे हमेशा क्रिकेट में इस शॉट के अहमियत तो दी जाते हैं इस शॉट से रन तो हमेशा बन, बनते हुए देखे लेकिन इसे कहा जाता है लगा तो आबाद नहीं तो बर्बाद बाइट्स का ये सिंगल मिला टोटल पहुंचा थर्टी सिक्स छत्तीस रन और इस बार हवा में खेल बैठे विकेटकीपर गेंद के नीचे लेकिन हाथ से गेंद छोटे एक रन यहां पर पूरा हो गया एक के रन के ऊपर संतुष्टि एक रन के साथ-साथ धीरज साथ दूसरा रन लेना चाहते थे लेकिन मना कर दिया भवेंदे एक रन के साथ टोटल पहुंचा अब 37 37 रन स्कोर बोर्ड पर चार विकेट गवाने के बाद एक अच्छी शुरुआत मिलने के बावजूद यह टोटल जो है जो थोड़ा सा कम लग रहा है हवा में खेल बैठे जहाँ पर शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर पर राखू मौजूद उनके सीधे हाथों में बेबेन की यहां पर समाप्त पांचवा विकेट वापस खेमे मेला उठता हुआ पर इस आखिरी कुछ गेंदों का खेल बाकी ये नए बल्लेबाज ओ अच्छी गेंद मिश्रित गेंदबाजी सिंगल जरूर निकलेगा थोड़े से पंबल हो गए वहां पर खिलाड़ी अंपायर का इशारा बाईस का आता हुआ एक रन और खाते में सिंगल के साथ टोटल पहुंचा अब अड़तीस रन पर थर्टी एट लॉस ऑफ फाइव विकेट दो गेंदों का खेल इस इनिंग का अभी भी बाकी है क्या इन दो गेंदों पर बड़े शॉट दो निकलेंगे पचास का आंकड़ा पार होगा यह देखने वाली बात फुल इस बार टांगों पर डालने की कोशिश अच्छी फील्डिंग वहां पर लगभग मिड विकेट स्क्वे लेग पर और थ्रो तो जब तक आ जाता और दूसरा रन यहाँ पर पूरे करते हुए दो रन के साथ साथ टोटल चालीस पर पहुंचा है कि कुछ तो रन बने हैं गेंदबाजों के लिए लेकिन मैं कहूँगा दस पंद्रह बने हैं जिस तरह से शुरुआत मिली थी पचास पचपन पच्च यहाँ पर बन जाता तो गेंदबाजी अच्छी थी बादेश्वर शिवलेप के पास तो रक्षण कर हो सकता था ओ बल्ले को लगी बाहरी किनारे से मिलेगा मात्र सिंगल एक अच्छा ओवर इस बार भी समाप्त होता हुआ पांच ओवरों का खेल समाप्त हुआ है और टोटल जो कि इकतालीस रन स्कोरबोर्ड पर जीतने के लिए बयालीस रनों का लक्ष्य रखा है तीस गेंदे और बयालीस रन चाहिए थर्टी डिलवरीज फोर्टी टू रन रिकॉर्ड और सुसगांव दोनों टीमों के कप्तान कृपया संपर्क करें के और आवश्यकता जो कि इस मुकाबले को जीतने के लिए और प्रारंभिक जोड़ी इसके जॉगिंग के स्ट्राइक पर रोशन नो स्ट्राइक एंड पर सूरज और गेंदबाजी के लिए प्रहलाद पहला ओवर पावर प्ले का ए ओवर है शॉट गेंद इस बार बड़ा शॉट निकला है गेंद लगभग निकली यहाँ पर क्या बेहतरीन फील्डिंग का दायित्व निभाया है गेंद लगभग सीमा पर निकल रही थी और रिवर्स हो गई टिप्पा गिरने के बाद उछाल प्राप्त कर दिया तीन रन बचाए अपने टीम के लिए अच्छी फील्डिंग यहाँ पर देखने को मिली है जो कि बेबी इनके के ओर से बहुत ही शानदार शॉट अच्छा था तगड़ा था लेकिन उससे भी बेहतरीन फील्डिंग और कम स्कोर के मुकाबले में आपकी फील्डिंग जितने रन बचाओगे उतना टारगेट और बड़ा लग जाता है लेकिन ये पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्टी अब स्ट्राइक पर सूरज ओ बड़ा शॉट, गेंद निकली यहां पर छह रन के लिए पकड़ना चाह रहे थे चरण हो गए सीमा रेखा के दर्शन छह रन के लिए जिदार आयोजन फिर एक बार स्विंग एंड मिस बहुत ही बढ़िया तेज गेंदबाजी टिप्पा केरी के बाद थोड़े से हरकत करते हुए निकली विकेट कीपर के हाथ पे बगर किसी रन से बगर किसी नुकसान पर और इस मैदान पर जब तक लेग स्टंप के ऊपर गेंदें करने की कोशिश करी है तब तक तो बड़े शॉट निकले हैं ऑफ स्टंप के बाहर यॉर्कर करते रहे आप बच जाओगे ओ ये देखिए बार-बार ये डॉट गेंदे लगातार दो डॉट निकले हैं और यह हमेशा गेंदबाज को सोचना चाहिए पीछ किस किस तरह तरह का है पीछ के ऊपर से गेंदबाजी हमें करनी है चाहे आपके सामने बल्लेबाज का होने इससे फर्क नहीं पड़ता आपके पास वो काबिलियत है आप वो गेंदबाजी कर सकते हैं लगातार दो घंटे डॉट वो छक्का लगने के बाद सात रन टोटल स्कोर बोर्ड पर बयालीस रनों का पीछा करते हुए ओ, इस बार हवा में खेल बैठे पर आते हुए ओ यहां पर कैच ड्रॉप हो गया है खुद आए थे वहां पर पुष्पराज पहले खड़े थे उनको वहां से हटा दिया और खुद आए बेबियन और आज गेंद बेबियन का पीछा कर रही है जहां पर विकेट मिलना चाहिए था मौका था और छोटे रनों के टोटल में आपको विकेट चटकाने पड़ेंगे कैच मुश्किल नहीं था शायद थोड़ी सी दबाव में नजर आए बेबीन इस कैच को लेते समय टॉस गेन ये तो होना ही था आपने कैच छोड़ा है तो दूसरे चोर से आपके ऊपर प्रहार होना था अगर वो कैच पकड़ लेते नया बल्लेबाज स्ट्राइक पर आ जाता ये छह रन बच जाते चक्के के साथ ओवर की समाप्ति और टोटल जो कि पहुंचा है चौदह रन बगैर किसी नुकसान पर गेंदबाज में पुष्पराज इस खिलाड़ी के बारे में क्या कहे ये खिलाड़ी भाई क्या शोलिम का एक सितारा है और लेकिन बल्ले से कुछ नहीं कर पाया आज नाराज होंगे लेकिन वो कैच मैच का शायद मैच गवा दिया ऐसा प्रतीत होता है उस कैच के साथ क्योंकि वो चक्का लगा और उसके बाद चौदह रन जो कि पहले ओवर की समाप्ति के बाद ये देखिए जमीन के सारे द कारपेट एक कॉपी बुक स्टाइल का बेहतर स्टोप कवर पर जब तक गेंद को फील्ड किया जाता एक रन जानते हैं यहाँ पर सूरज कोई गड़बड़ नहीं है कोई जरूरत नहीं है हरा कारी करने की क्योंकि एक जीवनदान भी मिला है और उसका फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं अब स्ट्राइक पर जो कि रोशन रोशन को अपना नाम रोशन करना है मैदान पर इसके जॉगिंग की सलामी जोड़ी मैदान पर बल्लेबाजी करते हुए थोड़ी सी फील्डिंग तब्दीली कर रही जा रही है क्योंकि महत्वपूर्ण तो तो गेंदबाजी के लिए ओ अच्छी गेंद क्या जवाब नहीं था जवाब नहीं था बल्लेबाज के पास पूरी तरह से खोल कर रख दिया था चारों खाने चेत गेंद निकली विकेट कीपर के हाथ में बगैर किसी रन से बगैर किसी नुकसान पर अच्छी गेंदबाजी पुष्प आज के इसलिए तो जाने जाते हैं गेंदबाजी के लिए तीखी गेंदबाजी के लिए ओ ये देखिए फिर एक खुद कर निकाली हुई गॉड क्या ये खिलाड़ी यहाँ पर इसीलिए तो इसकी तारीफ करते हैं हम डायरेक्ट तुरंत उसी एक्शन में थ्रो करना उतना आसान नहीं होता गेंदबाजी के बाद पहला विकेट निकला रोशन चलते बने वापस पैल की ओर शुभम शुभम जा आते हुए मैदान के अंदर और ये ऑलराउंडर खिलाड़ी एस के जॉगिंग के लेकिन ऑस्ट्रक एंड के ऊपर जाएंगे स्ट्राइक पर रहेंगे सूरज क्योंकि रनआउट हो चुका है क्या रनआउट था यूट्यूब के ऊपर वो आप बार बार देखेंगे क्या उससे एक्शन में थ्रो किया और चलता कर दिया इसलिए तो इस खिलाड़ी को बार बार इस खिलाड़ी के बारे में हम कहते रहते हैं ये खिलाड़ी काफी टीम के लिए महत्वपूर्ण तो है सूरज स्ट्राइक पर सामना करेंगे इस गेंद का ओ पल्टी वाला स्ट्रोक नहीं नहीं इनके ऊपर आप इस तरह के स्ट्रोक नहीं खेल सकते क्योंकि ये खिलाड़ी अलग है इनकी गेंदबाजी अलग है सिचुएशन अलग है रन आउट देखिए आप बार बार देखिए ओ ये फुल टॉस गेंद हवा में खेल बैठे लेकिन दूर है खिलाड़ी और एक रन तो जरूर निकलेगा एक रन के साथ साथ टोटल अब आगे बढ़ता हुआ सोलह रन क्या ओवर घटा है अब तक मात्र दो रन खर्च हैं और एक महत्वपूर्ण विकेट भी हासिल किया है टीम के लिए शुभम झा रेस के जॉगिंग का रीड के अड्डे आजकल अच्छे फॉर्म से गुजर रहे हैं बहुत सारे मुकाबले इस साल खेल चुके हैं रनों रन के बल्ले के साथ रन भी बनाए उन्होंने अच्छी गेंद ये के जमीन के कारपेट का एक स्ट्रोक पर खिलाड़ी जब तक आकर फील्ड करता एक रन के साथ स्ट्राइक अपने पास रखेंगे दो ओवरों का खेल समाप्त तीन रनों का एवर समाप्त हुआ बहुत ही शानदार ये क्या कम करने वाला ओवर है बल्ले से रन नहीं लेकिन गेंदबाजी से कप की पाई थी गेंदबाजी और जो कि दो और का खेल समाप्त सत्रह रन टोटल स्कोर बोर्ड पर अब बच्चे अठारह और गेंदे और जीतने के लिए और पच्चीस रनों की आवश्यकता पहले में वापस क्या गेंदबाजी करिए दबाव था पिछले ओवर का तीन रन बने थे सिर्फ उस ओवर में और शुभम धाग के ऊपर दबाव था कट करने की कोशिश यहाँ पर चलते बोले दूसरा विकेट वापस खेमे के ओवर श्रीराम का नारा गुंजेगा बैटर मैदान पर शुभम झा जल्दी निकले संदेश आए हैं और संदेश देखना है कौन सा संदेश लेकर मैदान के भीतर दाखिल हो चुके हैं लेकिन श्री राम ने पहली गेंद के ऊपर ये विकेट चटकाई है क्या मैच में ट्विस्ट के मैच का करवट बदलने वाला ये ओवर हो सकता है पुष्पराज का ओवर था मैच में दबाव लाने वाला संदेश अभी अभी आए हैं अभी और 25 रनों की आवश्यकता मैच बहुत नजदीक पहुंच जाएगा और कम रनों के तो मुकाबले में आपको विकेट चटकाने की आवश्यकता है तो दूसरी तरफ से एसके जॉकिंग की एक साझेदारी क्या आवश्यकता है इस विकेट में से बाहर ये शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पर एक गेंद निकली सीमा के बाहर आप बैल मुझे मार इट समय से उसे एक सर संदेश के बल्ले से निकलता हुआ ये छक्के साथ मैच में आगे जाने का संदेश ओ, तगड़ा स्ट्रोक ताक स्ट्रोक ओ इस बार फिर एक बार खेलने की कोशिश टिप्पणा करने के, के बाद बाहर की तरफ निकले बगैर किसी रन से बगर किसी नुकसान पर छक्के ने काम कर दिया इस ओवर का पिछले पिछले ओवर के दबाव का टोटल अब पहुंचा जो कि 23 थ्री तेईस रन स्कोरबोर्ड पर 19 रन की आवश्यकता इस बार खेल दिया जमीन के सारे सीधे बल्ले के साथ खिलाड़ी वहां पर लॉन्ग ऑन से आकर गेंद को फील्ड करता एक रन खाते में जुड़ता हुआ एक रन के साथ 24 पर पहुंचा 24 18 रनों की और आवश्यकता ये मुकाबला जीतने के लिए अगला मुकाबला होगा शिरोड़कर क्रिकेटर्स वर्सेस गणपति वॉरियर्स उसगांव के बीच में आइए टॉस के लिए टॉस चलो आइए शिरोडकर क्रिकेटर्स कप्तान ओ इस बार देखिए शॉट देखिए शॉट की ताकत देखिए गेंद निकले सी मा रे का पार मैस्यू सिक्सर ओ ये शौर्ट, ये शॉट, शॉट में, ओ, क्या फील्डिंग है, बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बहुत ही शानदार फील्डिंग वहां पर रन बचाए अपने टीम के लिए ओवर समाप्त हुआ तीसरा तीन ओवरों का खेल समाप्त तीस रन स्कोर बोर्ड पर बारह गेंदों का खेल बाकी और बारह रन की है आवश्यकता ग्यारह रन की आवश्यकता बारह गेंदों का खेल बाकी है वो दो छक्के काम कर गए इकतीस पर पहुंचा है टोटल अक्षय आया गेंदबाजी के लिए। बारह गेंदे ग्यारह रन ओ कैच ओ कैच चुभेगा ओ कैच चुभेगा वो सपने में आएगा शाम को वो कैच छूटा था उसके बाद लगा दो छक्के लगे उसके बाद करेंगे सूरज सूरज को ही वो जीवनदान मिले थे पहली ओ ये बाहर देखता है अंपायर का इशारा क्या आता है नो बॉल यानी कि पीछे से भी बाहर जो लक्ष्मण रेखा आपको दी है उससे आप बाहर डालोगे तो आपको ये निश्चित रूप से नो बॉल का इशारा यानी कि अगर मराठी में हम कमेंट्री करते तो कहते उगड़ा ढोड़े बगानेट असेल फ्रेट दस रन की आवश्यकता है ओ ये गेंद चली गई विकेटकीपर के हाथ में फ्रेट जाया गई अच्छी गेंदबाजी है अगर ऐसी गेंदबाजी आपके पास है तो आप गेंद डाल, डालते रहिए बल्लेबाज को कोशिश करने दीजिए आपको ये गेंदबाजी करनी चाहिए थी ऐसे अगर आप कैरत में रन बांटोगे तो मैच समाप्त हो जाएगा अकल आने के लिए शक्ल बिगड़ने का इंतजार क्यों करे ये हमेशा कहा जाता है वो वाइड गेंद उसके बाद नोबॉल की वो गेंद वो फ्रेट फ्रीट तो जाया गई लेकिन सिंगल ऐसे ही दे दिया आपने बिना प्रयास पटकी हुई गेंद इस पे तगड़ा शॉट बहुत दूर छह रन के लिए बेबीन देखिए आपने कैच किसका छोड़ा था इसे कहते हैं मारा कम और घसीटा ज्यादा चक्के के साथ टोटल अब पहुंचा है थर्टी एट पर चार रन की मात्रा आवश्यकता है ओ इस बार बल्ले के अंदरों ने किनारे से लगे सिंगल जरूर निकलेगा वहां पर एक रन और खाते में एक रन के साथ साथ टोटल पहुंचा है थर्टी नाइन पर थ्रो जिस तरह से किया था खुशकिस्मत रहे ऐसी जगह पर नहीं लगी जहां से सांस लेने में दिक्कत हो जाती है गणपति वॉरियर्स ने टॉस जीता है और पहले फील्डिंग करने का फैसला किया है अगला मुकाबला होगा सिद्धेश्वर क्रिक, शिरोडकर क्रिकेटर्स वर्सेस गणपति वॉरियर्स उस गांव के बीच में ओह ये पटकी हुई गेंद थी फिर एक बार ये देखिए कितनी बार मौका बार बार लगातार ये मौका और बेबी है नारे एक ओवर पर दो रन तब तक पूरे हो गए दो रन के साथ टोटल पहुंचा फोर्टी वन यानी कि स्कोर लेवल हो चुका है सिर्फ एक रन की है आवश्यकता थोड़ी सी खराब फील्डिंग हुई यहां पर बांदेश्वर क्रिकेटर्स शिवलिम टीम के जिसके चलते हुए हार का सामना करना पड़ रहा है बड़ा शॉट इस बार निकला है गेंद सीमा पर संदेश के बल्ले से निकली गेंद चार रन के लिए और एक बड़ी जीत के साथ एसके जॉगिंग निकली है आगे की तरफ